आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज वो चंद्रदेव जिनके कारण व्यक्ति बल पाता है और जन्म कुंडली में जो चंद्र कमजोर पड़ते हैं तो व्यक्ति के मन में डर स्ट्रेस डिप्रेशन आदि अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आप में कोई घबराहट होती है, आपका कोई काम सफल नहीं होता है, आपका मन हरदम चिंतित रहता है, आप दुखी रहते हो, आप किसी न किसी कार्य को करने के लिए हरदम मेहनत करते हो लेकिन कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो समझना कि कोई न कोई विशेष रूप से चंद्र का दोष आपको परेशान कर रहा है। और कई व्यक्तियों को दवाई लेते हैं तो वो दवाई काम नहीं करता है, कितनी बीमारी के लिए लाखों रुपया खर्चा कर लें, कई प्रकार के डॉक्टर को दिखा दें, कई ट्रीटमेंट कर लें, कई इलाज कर लें, गांव-गांव घूम-घूम के शरीर के विभिन्न प्रकार से ट्रीटमेंट के लिए चेकअप करा के आ जाएं, लेकिन कुछ भी करें इलाज नहीं होता है, तो समझना कि चंद्र अप्रसन्न है। जन्म कुंडली में चंद्र का कोई ऐसा नीच दोष है जो परेशान कर रहा है। चंद्र दोष जिनमें होता है नींद भी उनको बराबर नहीं आती, क्योंकि चंद्र को औषधियों के स्वामी कहा जाता है। शास्त्र में चंद्र के किरणों से ही जड़ी बूटियों में औषधीय गुण प्रकट होने की अद्भुत स्पष्ट उल्लेख दिया गया है। ऐसे चंद्र देव के प्रसन्न होने के बाद व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के कारण अनेक प्रकार के कार्यों में निश्चित सफल होता है, और मन की विश्वास और दृढ़ता बढ़ने के बाद जहां जाता है वहीं विजय पाता है। लेकिन व्यक्ति चंद्रदेव को प्रसन्न करने की तरीके नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे कपाल भैरव को अगर 12 बार सोमवार के दिन सुबह नहा धो के शुद्ध हो के याद कर लिया जाए तो चंद्र ऐसे बलवान होंगे जैसे पूर्णिमा की चांद की तरह आपका जीवन खिल के निखर जाएगा। ऐसे चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए सोमवार को सुबह शौच स्नान दंत दावन आदि से निवृत्त होकर पूजा कमरे में बैठ करके इष्ट देव कुल देवता को याद करके अगर उनके लिए धूप दीप जल रहा हो तो और अच्छा है, और धूप दीप जलने के बाद आप कपाल भैरव के लिए अलग से कोई पूजा या धूप दीप करने की जरूरत नहीं है, खाली वहां बैठ करके आनंद से चंद्रदेव को याद करके चंद्रदेव के मालिक श्री कपाल भैरव नाथ को याद करें, क्योंकि कपाल भैरव आदि नव भैरव नवों ग्रहों के नायक हैं जो ग्रह अधिष्ठायक हैं। इनको याद करने के बाद समस्त चंद्र दोष से व्यक्ति निवृत्त होता है। और बहुत सरलता से 2 मिनट के इस नाम स्मरण से व्यक्ति चमत्कारिक असर और लाभ प्राप्त करता है। ऐसी दिव्य कपाल भैरव की साधना और आराधना कर लें तो जीवन सफल हो जाए। कपाल भैरव को नमन करके ओम कालदंडाय विद्महे वज्रवीराय धीमहि तन्नो कपाल भैरव प्रचोदयात्। 2 ही लाइन का ये पाठ आपके मन को आपके तन को आपके जीवन को तंदुरुस्ती सुख समृद्धि और भरपूर बल वीर्य से भर दें, यही प्रार्थना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें। तौट योगा से आशीर्वाद।